गुड मॉर्निंग नाइन क्लास, आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर नंबर 13, यानी कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, समतल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की एक्सरसाइज 13.6, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी कि बेलन का आयतन, इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। आप लोग जानते ही हो पाई क्या है, आर स्क्वायर क्या, आर क्या होता है और एच क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ पहले। चलो आइए वॉल्यूम के क्वेश्चंस करते हैं। द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस यानी कि जो एक सिलेंड्रिकल वेसल है उसके आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है। अब देखो सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इज इक्वल्स टू 132 सेंटीमीटर गिवन है। मैं जानता हूं कि जो सिलेंड्रिकल वेसल है उसका बेस सर्कुलर टाइप का होता है, और जब सर्कल होता है तो सर्कल की सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr इक्वल्स टू 132, भाई ये इसके इक्वल है। तो 22/7 और r की जगह r इज इक्वल्स टू 132, 7 इसके मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में जाएगा 2/22, 66, यानी 3 × 7 इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। आर हमने निकाली 27। अभी कह रहा है कि जो हाइट है वो 25 सेंटीमीटर है। हाइट जो हमें दे रखी है, हाइट कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि बताओ हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन बी इट होल्ड, कि कितने लीटर पानी इसके अंदर आ सकता है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू निकली 21 × 21 और एच है 25, ठीक है, 27 × 3 = 21। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 66 × इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 500 और 525। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, चलो 525 को 66 से, ₹34,650। आप देखो ये वॉल्यूम है इसलिए क्यूब तो लगेगा, और सेंटीमीटर में चल रहा है तो सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन इसने हमसे पूछा हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर, लीटर्स में पूछा है, और इसने हिंट दिया है कि वी नो दैट 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर। भाई जब 1000 इतने के बराबर है तो 34,000 किसके बराबर होगा, ठीक है। तो इधर से पहले मैं 1 सेंटीमीटर ज़्यादा की दे रखी है, 1 की निकाल लेता हूँ पहले, तो ये हो गया 1/1000 लीटर। जब 1 का इतना है तो इतने का कितना होगा, 34,650 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 34,650 × 1/1000। 10 से 10 काट तो 20 नीचे, तो 2 डिजिट बाद हम क्या लगा देंगे, पॉइंट। तो ये आ गया हमारा 34.65 लीटर, उसके अंदर पानी को होल्ड किया जा सकता है या उसके अंदर पानी आ सकता है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन करें, इसको इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं क्या कह रहा है। द इनर डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर एंड इट्स आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द पाइप इज द 35 सेंटीमीटर, फाइंड द मास ऑफ द पाइप इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज ए मास 0.6 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि एक पाइप है जिसका इनर डायमीटर दे रखा है, आउटर डायमीटर दे रखा है, उसकी हाइट दे रखी है, तो उसने हमसे मास पूछा है। मास का मतलब कि वो पाइप कितने
अगर लकड़ी कितनी लकड़ी से मिला है, यानी कितनी उसकी वॉल्यूम क्या है लकड़ी का, जबकि वो जानता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है वो 0.6 ग्राम है। देखो ये क्या कह रहा है हमको, क्वेश्चन नंबर सेकंड, कि हमें आउटर डायमीटर दे रखा है, इनर डायमीटर दे रखा है, हाइट दे रखी है। तो आउटर डायमीटर यानी बड़ा डायमीटर तो 28, और इनर यानी छोटा 28 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और ये 35 सेंटीमीटर हमें इसकी हाइट दे रखी है। अब जब कैपिटल डायमीटर दे रखा है तो स्मॉल आर कैसे निकलेगा, कैपिटल आर यानी कि बड़े डायमीटर 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, और छोटी रेडियस यानी इनर रेडियस कैसे निकलेगी, 12 सेंटीमीटर। निकाल लिया। इसके बाद पूछ रहा है उसकी वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल पाइप, पाई आर स्क्वायर एच, 22/7। अब देखो उसने पाइप का पूछा है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप का वॉल्यूम नहीं निकाला, वॉल्यूम ऑफ द, देखो पाइप इस तरीके का होता है, सपोज करो ये पाइप है, अब इसमें इनर और आउटर डायमीटर दे रखा है, यानी हमें तो केवल वुडन का इसका निकालना है, यानी बड़े वाले में से छोटा वाले को माइनस करना है, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करने पर वॉल्यूम ऑफ वुड निकल जाएगा, यानी लकड़ी का वॉल्यूम निकल जाए। इधर से मैंने क्या करा, पाई एच कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यानी 22/7 इंटू एच यानी 35, कैपिटल आर यानी 24 का स्क्वायर माइनस 22 का स्क्वायर, इसको करा तो 5 टाइम्स में, इसको करा तो 110 इंटू 196 माइनस 144, इसके अंदर से मैंने इसको माइनस करा 190 यानी 12 का, तो 196 और 14 का, तो 196 और 12 का 144, इसको माइनस करा तो कितना आ रहा है, 2 और 5 यानी कि 52 आ रहा है। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि 5720 सेंटीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम निकला था, लेकिन वो कह रहा है कि एक का जो वॉल्यूम, एक का मास है, मास ऑफ 1 kg, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड 0.6 ग्राम, देन मास ऑफ, अगर एक का इतना है तो 5720 का मास है, द्रव्यमान कितना होगा, यानी 0.6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5720 से, पॉइंट हटाया तो 10, 10 से 10 कट, 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगा, 1 6 7 तो 42 और 1 43 का 3 हासिल लगा, 4 6 5 जो 30 और 4 34, यानी 3432 ग्राम उस लकड़ी का मास होगा, द्रव्यमान होगा कितना, 3432 ग्राम। ठीक है, तुम्हारी बुक में पीछे किलोग्राम में दे रखा है, यानी उसको 1000 से डिवाइड कर दोगे तो किलोग्राम में आ जाएगा, ये आंसर भी तुम्हारा सही है। ठीक है, देखो इजी था, केवल बड़ा छोटा और बाहर का अंदर का और उसके लंबाई दे रखी थी, वॉल्यूम ऑफ वुड पूछा है इसने, पाइप नहीं पूछा, अगर पाइप पूछता और खोखला नहीं बोलता ये तो हम बाहर बाहर का निकालते, लेकिन आउटर और इनर दे दिया, इसका मतलब खोखला पाइप है। अब खोखला लकड़ी जो है वो केवल उसकी मोटाई मोटाई की ओर है, तो बड़े वाले में तो छोटा वाला माइनस करके लकड़ी का आयतन निकाल लिया। अब मैं जानता हूँ कि 1 सेंटीमीटर ग्राम में इतना वजन है, तो इसका कितना, इसमें टोटल में कितना वजन होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, ए सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स, यानी कि जो कोल्ड ड्रिंक हम पीते हैं, शीत पदार्थ जो हम पीते हैं, एक तो वो टीन के केन में बना है, जो कि क्या है, रेक्टेंगुलर बेस ऑफ द सिलेंड्रिकल 5 सेंटीमीटर लंबाई, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई और ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दी, इसका मतलब वो क्यूबॉइडल हो गया, यानी कि घनाभ हो गया, और एक प्लास्टिक का बना हुआ है जो कि किसके आकार का, सिलेंड्रिकल टाइप का है, और उसका डायमीटर तो जो है 7 सेंटीमीटर है और हाइट 10 सेंटीमीटर है, विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच, कौन सा कंटेनर ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक रख रहा है और कितनी रख रहा है ये बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं,
वॉल्यूम ऑफ टीन पैक, वॉल्यूम ऑफ टीन पैक आप लिखते रहना इसकी लंबाई इंटू एल इंटू बी इंटू एच, यानी कि एल कितनी है, लंबाई है आपकी 5 4 15, 5 4 15, 15 चौक 60, 60 5 300, यानी कि कितना आ गया वॉल्यूम 300 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसने बोला है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पैक, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन इसको आर को निकालने से पहले इसने एक चीज बोली है कि डायमीटर दे रखा है 7, तो डायमीटर 7 है तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2 × 7/2, और उसकी हाइट दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर। तो देखो 2 से 2 कट और 7 से 7 कट, 2 से 11 टाइम्स कट, 2 5 10, तो 55 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 7 5 35, 350 और 35 385, इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बोल रहा है कि कौन ज़्यादा है, किस किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, सिलेंड्रिकल पैक हैव ए ग्रेटर कैपेसिटी, सिलेंड्रिकल कंटेनर हैव ग्रेटर कैपेसिटी, यानी कि बेलनाकार कंटेनर जो है वो ज़्यादा कैपेसिटी रखता है, और कितनी रखता है 385 में से 300 माइनस कर दो, यानी 385 माइनस 300 इज इक्वल्स टू 85 सेंटीमीटर क्यूब कैपेसिटी ज़्यादा रखता है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, दो पैक दे रखे थे, एक टीन का और एक प्लास्टिक का, तो प्लास्टिक जो सिलेंड्रिकल पैक था यानी जो वॉल्यूम ऑफ टीन पैक था यानी क्यूबॉइडल था वो एल इंटू बी इंटू एच यानी 300, और एक सिलेंड्रिकल था यानी पाई आर स्क्वायर एच, आर नहीं थी डायमीटर दिया हुआ था, तो डायमीटर देख के 7/2 7/2 दो बार लिख लिया, 7 से 7 कट करके कैलकुलेशन करी 385 आया, किसका ज़्यादा निकला सिलेंड्रिकल पैक का ज़्यादा निकला कंटेनर का, और कितना ज़्यादा निकला 85 सेंटीमीटर क्यूब ज़्यादा निकला। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। इफ द लेटरल सरफेस ऑफ सिलेंडर यानी कि एल एस ए दे रखा है हमको, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, एल लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है, एंड इट्स हाइट 5 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। देखो ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला मैं जानता हूँ, एरिया सिलेंडर का एरिया क्या होता है, सिलेंडर का एरिया होता है एल एस ए ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πRh इज इक्वल्स टू 94.2। इसने बोला है कि पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, यानी 2 × 3.14, पहले के अंदर इसने हमसे रेडियस पूछी है तो आर एज का ऐसा, और एच हमें कितना दिया है 5 इज इक्वल्स टू 94.2, आर को मैंने इधर रखा है तीनों मल्टीप्लाई में तो इसकी डिवाइड में चल जाएंगे, यानी 2 × 3.14 × 5, पॉइंट हटाया तो नीचे दो, ऊपर 2 0, ऊपर से एक पॉइंट हटाया तो एक नीचे, 0 से 0 कट है ना, अब इसको काटा तो कितने टाइम्स गया 3 टाइम्स, 5 2 10, 10 से 10 गया, तो आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, यानी पहले का आंसर कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देना है कि कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं, और इसके अंदर फॉर्मूला याद रखना है, इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच यानी 22/7, और आर कितनी है 3 × 3, और एच कितनी है 5, इसको मल्टीप्लाई कर लो साहब, 5 3 15 15 3 45, 22/45/7, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 22 5 110 का 0 हासिल लगा 11, 22 4 88 और 11 99, 990/7 डिवाइड दे लो 990 में 7 का, 7 1 7 बज गया 2, 7 4 28 बज गया 1, 7 1 7 बज गया 3, 7 4 28 बज गया 2, 7 2 14 यानी 141.42 सेंटीमीटर क्यूब उसका आयतन होगा, कितना होगा 141.3 सेंटीमीटर या 42 सेंटीमीटर क्यूब उसका आयतन होगा। वापिस देख लो, अब 990 में 7 का भाग देना है,
सात एकम सात बज गया दो, सात चौक 28 बज गया एक, सात एकम सात बज गया तीन, लगाया पॉइंट जीरो, सात चौक 28 बज गया दो, लगाया जीरो, सात दूनी 14, यानी कि 141.42 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। आइए अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है देखते हैं। इट कॉस्ट 2200 टू पेंट द इनर कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल 10 मीटर डीप। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज एट द रेट 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, रेडियस ऑफ द वेस, कैपेसिटी ऑफ द वेसल। ये कह रहा है कि किसी भी एक सिलेंड्रिकल वेसल है, उसकी आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को कलर करने के लिए 10 मीटर घेरा है, उसको कलर करने के लिए 2200 रुपये दिए हैं, और एक क्या बोलते हैं एक सेंटीमीटर एक मीटर के ऊपर जो वो पेंट कर रहा है उसके 20 रुपये लेके जा रहा है, और उसने 2200 रुपये दिए। मैं कह रहा हूँ कि भाई तुझे दीवार पे पेंट करना है, उसने कहा साहब 20 रुपये लूँगा एक मीटर स्क्वायर पर कलर करने के, जब तुम काम फिनिश कर दिए तो मैंने तुम्हें 2200 रुपये पकड़ा दिए, बताओ तुमने कितने मीटर क्यूब काम किया। साहब 110 मीटर क्यूब काम करा। देखो क्या कह रहा है ये, इसने हमसे एरिया पूछा है, तो एरिया में हमने क्या बोला, रेट लगा दो और ऊपर कॉस्ट लिख दो, यानी कॉस्ट हो गया उसकी जिसने कितने रुपए में वो काम करा, और रेट हो गई कि उसने किस रेट से वो काम लिया। तो कॉस्ट तो कितनी है 2200 रुपये और रेट कितनी है 20, तो एरिया कितना आ गया 110 मीटर स्क्वायर, जबकि मैं जानता हूँ कि वो एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर का एरिया तो 2πRH होता है, ठीक है, और 2 की जगह 2 पाई की जगह क्या रखना है इसके अंदर 22/7 ही रखना है, और R की जगह पता नहीं, H हमें दे रखी है 10, ठीक है, ये 10 से 10 कट, तो R इज इक्वल्स टू 11 × 7/2 × 22, तो कितना आ गया R 7/4 मीटर, क्या आ गई R 7/4 मीटर। तो ये किसका आंसर निकल कर आया, सेकंड का, रेडियस ऑफ द बेस कितनी निकल कर आई 7/4। अब द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, और कर्व्ड सरफेस एरिया कितना निकल कर आया, ये तो हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया, ये हो गई रेडियस सेकंड का, और अब थर्ड पूछा ही है कैपेसिटी ऑफ द वेसल यानी कि वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, एंड 22/7, आर कितना है 7/4 × 7/4, और एच कितनी है 10, 7 से 7 कट, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 2, 11 टाइम्स, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, 7 × 5 = 35, 35 × 11 से मल्टीप्लाई करा 385, ठीक है, तो 385 में 4 का डिवाइड करो, 4×9 = 36 बज गया 2, 4×6 = 24 बज गया 1, 4×2 = 8, 4×5 = 25, यानी 96.25 सेंटीमीटर मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आएगा, 96.25 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम फाइंड आउट होगा। आइए आंसर चेक करते हैं, 96.25 सेंटीमीटर क्यूब। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इसको रफ कर देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, एरिया इज इक्वल्स टू कॉस्ट अपॉन रेट, तो 22 इसको निकल कर एरिया निकाल लिया, फिर इसका एरिया का फॉर्मूला लग के मैंने आर निकाल लिया, फिर आर रख के मैंने वॉल्यूम निकाल लिया, हर एक क्वेश्चन एक के बाद एक कड़ी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है, कि द कैपेसिटी ऑफ द क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर्स। ये कह रहा है कि एक बंद सिलेंडर यानी बेलनाकार कोई बर्तन है जिसकी कैपेसिटी यानी जो उसका वॉल्यूम है वो 15.4 लीटर है, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट।
ये कह रहा है कि उसकी जो कैपेसिटी है उसका वॉल्यूम यानी 15.4 लीटर दे दिया और हमें हाइट मीटर में दे रखी है, तो मैं बोलूंगा कि उसकी कैपेसिटी जो लीटर में दे रखी है उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लो। वॉल्यूम ऑफ यानी कि बेलनाकार बर्तन का, बेलनाकार बर्तन का वॉल्यूम जो आयतन है वो तुम्हें दे रखा है 15.4 लीटर, ठीक है। लेकिन मैं जानता हूं एक चीज कि 1000 मीटर क्यूब में, सॉरी 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो 1 लीटर में कितने हजार, 1/1000 मीटर क्यूब होंगे। जब 1 लीटर में इतना मीटर क्यूब है तो 15.4 लीटर में कितना होगा, 15.4 बटे 1000। पॉइंट हटाए तो 1 0, 1 2 3 4 डिजिट बाद पॉइंट लगाया, यानी 0.0145 मीटर क्यूब इसका आ गया। यानी कि 15.4 लीटर को मैं क्या लिखूंगा, 0.0154 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब में कन्वर्ट क्यों करा, क्योंकि हाइट जो मेरे को दे रखी है, जो मेरे को हाइट दे रखी है इसकी, वो मीटर में दे रखी है और कैपेसिटी मुझे लीटर में दे रखी है, तो मैंने लीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 1 मीटर। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ मैनी स्क्वायर शीट ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट, कितने स्क्वायर मीटर, यानी कि हमें एरिया फाइंड आउट करना है उस मेटल शीट का जिससे कि वो बर्तन बना है। तो देखो, अगर मुझे ये वॉल्यूम दे रखा है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला मैं जानता हूँ कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल हो गया ये, क्या हो गया ये वॉल्यूम ऑफ, ये वॉल्यूम हो गया, जबकि मैं वॉल्यूम जानता हूँ कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 0.0154, ठीक है। अब पाई की वैल्यू कितनी, 22/7, आर की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है और एच कितना दिया हुआ है मुझे, 1 = 0.0154। ये सारे डिवाइड, ये 7 डिवाइड में है तो 7 तो किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में, 22 मल्टीप्लाई में तो किस में जाएगा, डिवाइड में। देखो पॉइंट हटाया तो नीचे कितने जीरो आएंगे, 4 जीरो, 22 को 154 से काटेंगे तो 60 टाइम्स, तो इस पे से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा, 7 × 7/10000। तो इस तरह से 2 7 में से केवल 1 7 बार निकलेगा और 10000 में से केवल 100 बार निकलेगा। स्क्वायर रूट करते हैं जब, घन वर्गमूल निकालते हैं जब, मेरे पास आर आ चुका है। अब इसने मेरे से क्या पूछा है कि उस मेटल शीट को बनाने के लिए कितनी रिक्वायर्ड शीट हो गई, यानी कि एरिया ऑफ TSA ऑफ सिलेंड्रिकल वसल, TSA। सर आपने TSA ही क्यों लगाया, CSA क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इसने क्लोज का है, क्लोज लगते दोनों ढक्कन ऊपर के बंद हो गए, और बंद हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया, पाई आर प्लस एच, ठीक है। टोटल TSA का फॉर्मूला ये होता है, पाई आर आर प्लस एच, आप सभी को फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है, 2πr और ब्रैकेट में r प्लस एच, तो 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, और r कितना है, 7/100, 7/100 प्लस एच कितनी है, 1, 7 से 7 कट गया तो 44/100 इंटू 107/100, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 107 को 44 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आता है आपका 4708/10000। तो 1 2 3 4 डिजिट बाद, 1 2 3 4 डिजिट बाद मैंने पॉइंट लगाया, यानी कि उस सिलेंड्रिकल वेसल को बनाने के लिए कितने मीटर क्यूब, कितने मीटर स्क्वायर की शीट की रिक्वायर्ड होगी, केवल 0.4708 मीटर स्क्वायर शीट की रिक्वायरमेंट होगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया, ठीक है। जो लीटर में दे रखा था उसको मैंने मीटर क्यूब में कन्वर्ट करा, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के बाद मैंने आर फाइंड आउट करी, आर फाइंड आउट करने के लिए मुझे 2πr r + h निकालना पड़ा। देखो इसके अंदर आप क्वेश्चन उल्टा स्टार्ट करोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि हमें निकालना क्या है, ठीक है। आइए जैसे हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है कि ए लीड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल वुड ऑफ विद वुड विद ए सॉलिड सिलेंड्रिकल ऑफ ग्रेफाइट फील्ड इन द इनर इंटीरियर।
द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 mm, द डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट इज 1 mm, इफ द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 14 cm। देखो क्या कह रहा है कि एक लकड़ी की एक पेंसिल बनी हुई है, ठीक है, जिसका डायमीटर तुम्हें 7 mm दे रखा है और इसके अंदर एक ग्रेफाइट की लीड है इंटीरियर यानी अंदर की ओर, जिसका डायमीटर तुम्हें 1 mm दे रखा है और हाइट ऑफ द पेंसिल तुम्हें 14 cm दे रखी है। सोचने वाली बात यह है कि दोनों mm में है और ये सेंटीमीटर में है, तो मैं कह रहा हूँ डायमीटर ऑफ द, यानी कि देखो क्वेश्चन नंबर 7 कि जो डायमीटर ऑफ पेंसिल 7 mm, ठीक है, तो 7/10 इज इक्वल्स टू 0.7 mm इसका डायमीटर आया है, तो इसकी रेडियस कितनी आएगी 0.7/2 cm। इसी तरीके से स्मॉल r 1 mm है तो ये कितनी आएगी 1/10 इज इक्वल्स टू 0.1 cm, इसका डायमीटर है तो इसकी रेडियस कितनी आएगी 0.1/2 cm और इसकी हाइट कितनी दे रखी है 14 cm। अब इसने हमसे दो चीज़ें पूछी है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट, तो मैं पहले ग्रेफाइट निकाल लेता हूँ या वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट निकालने के लिए मैंने क्या बोला, पाई आर स्क्वायर एच यानी 22/7 और आर कितनी है ग्रेफाइट की 0.1/2 × 0.1/2 × एच कितना है 14, 2 × 2 = 2 कट, 2 × 1 = 2 × 2 = 2 और ये 100, तो कितना आ गया 11/100 यानी कि 0.11 cm³, ये आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। अभी कह रहा है दूसरा पूछा वॉल्यूम ऑफ द वुड यानी कि ये वाली चीज, और ये वाली चीज मैंने निकालना बताया था कि बड़ी वाले में से छोटी वाली माइनस कर दो, ठीक है, तो इसके लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, पूरा बड़ा फाइंड आउट करना पड़ेगा और बड़े को मैं क्या कह रहा हूँ पेंसिल यानी वॉल्यूम ऑफ पेंसिल पाई आर स्क्वायर एच, ये कैपिटल आर इसलिए लिया है क्योंकि इसको कैपिटल आर माना है, यानी 22/7 0.7/2 × 14, पॉइंट आया नीचे 2 0, 7 × 2 = 14 × 14 कट हो चुका, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो 22 × 49 98 यानी 1078 और दो डिजिट बाद पॉइंट लगाया तो 10.78 cm³। अभी पूछ रहा है हमसे वॉल्यूम ऑफ द वुड, तो वॉल्यूम ऑफ वुड कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल में से वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट माइनस कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ वुड इसमें से हम क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ पेंसिल में से माइनस ग्रेफाइट कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट यानी कि 10.78 में से 0.11 माइनस कर रहे हैं यानी पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया तो 10.78 और ये 11 तो 77.01 यानी कि 10.77 cm³ उसका क्या आ गया पूरी वुड का रेशो आ गया पेंसिल का पाई आर स्क्वायर एच 22/7 × 0.7 × 0.7/20। अच्छा ये एक 2 भी तो बचा है, ये 2 × 1 = 2 × 2 = 2 यानी कि इसको मल्टीप्लाई करो, अब 49 को 11 से मल्टीप्लाई करो 539 कितना आया 539 cm³, तो इधर क्या आएगा 539 में से 0.1111 माइनस करो 5.28 cm³ उसका वुड का क्या आ गया निकल कर आया। वो ए पेशेंट इन हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन ए सिलेंड्रिकल बाउल ऑफ सिलेंडर सेंटीमीटर डायमीटर 7 cm, तो डायमीटर को पहले रेडियस में कन्वर्ट करेंगे यानी 7/2, इसको कैसे लिख देते हैं हम, इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन करें, ठीक है,
यानी क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि जो डायमीटर है वो 7 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी आ गई 7/2 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है, इफ द बाउल इज फिल्ड विद द सूप ऑइट हाइट, यानी कि एच तुम्हें दे दी 4 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा, हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 150, यानी पहले एक का निकाल लो वॉल्यूम ऑफ वन बाउल सूप, यानी कि एक कटोरे सूप का वॉल्यूम कितना है, पाई आर स्क्वायर एच इन 22/7, 7/2 इंटू 7/2 इंटू 4, 7 से 7 कट, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, यानी कि 7 2 14, 11 इंटू 14, यानी कि 154 सेंटीमीटर क्यूब। ये एक कटोरे का है यानी एक पेशेंट का है, वॉल्यूम ऑफ वन पेशेंट बाउल सूप, तो वन पेशेंट की जगह कितना आ जाएगा 250। अब इसको 250 से मल्टीप्लाई कर दो 154 into 250, तुम्हारा 8 का आंसर आ जाएगा। ये हमारी एक्सरसाइज 13.6 कंप्लीट हुई। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, थोड़ी स्पीड तेज है मैं खुद मानता हूँ, क्योंकि इसके फॉर्मूला बेस है, आपको कैलकुलेशन फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो आप लोगों को ध्यान से पढ़ें। आई